बिहार सरकार के विवादित कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार का विभाग नीतीश कुमार ने बदल दिया है। बीजेपी मांग कर रही थी कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने केवल उनका विभाग बदलकर उन्हें गन्ना मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय दे दिया है। सम्राट जी क्या कहेंगे? पहले देखिए, पूरी तरह बिहार में तो अब रबर स्टाम्प का सरकार चल रहा है, कोई सरकार नाम की चीज तो रह नहीं गई। नीतीश कुमार जी कई मंत्रियों से इस्तीफा लिए सिर्फ इसके नाम पर कि यहां चार सीटेड लोग मंत्री नहीं होंगे। आज एक का विभाग बदला, दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, कोई हत्या में, कोई बलात्कार में, सारे मामले वाले लोग मिनिस्टर बने हुए। किसका नाम लूं? जो है सब वही है, पूरी राष्ट्रीय जनता दल की टीम ही वही है। अब नीतीश कुमार तो सिर्फ रबर स्टाम्प है, रफू करके सरकार चला रहे हैं, सूत धागा लेके सरकार चला रहे हैं, बस इससे ज्यादा कोई रोल है नहीं। इस पर बोलना ही बेकार है कि बिहार में कोई कानून नाम की कोई चीज है। और कानून मंत्री भी बड़ा मस्त बनाया था इन लोगों ने कि जिस पर अपहरण का मामला हो, आपराधिक मामला हो। अब देखिए, हमको तो लगता है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कोई दूसरा चला रहा है। एक आखिरी सवाल, तो ऐसा क्यों हुआ? नीतीश कुमार हमेशा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं क्राइम, कम्युनलिज्म, इन सब चीजों पर, तो आखिर हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जा सके? उनके पास है क्या? ना वोट है बिहार की जनता में, जनता भी छीन चुकी है, 8 बार राजनीतिक कपड़े बदल चुके हैं, तो अब जनता भी समझ रही है, वो स्वयं भी समझ रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। और तेजस्वी यादव के पास तो 120 एमएलए है, नीतीश जी को कभी भी घर बैठा देगा, कौन बड़ा बात है। इसलिए वो समझ रहे हैं कि मेरे पास अब ताकत नहीं है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात कर सके। चलिए, तो सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, कह रहे हैं उनके पास अब ताकत नहीं है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कर सके, और आरोप लगाया जा रहा है कि अब सरकार में केवल नीतीश कुमार की हैसियत एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री की रह गई है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।